नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपका हाउस यूट्यूब चैनल। मैं करण दिस साइड फ्रॉम आपका हाउस। आज लेके हैं आपके लिए 3 बेडरूम का फ्लैट, साउथ दिल्ली अपार्टमेंट सेक्टर 4 की लोकेशन पे। 5th फ्लोर का फ्लैट होने वाला है। बढ़िया लोकेशन का फ्लैट है, अच्छी खासी धूप आती है, ईस्ट टू वेस्ट के बीच में बालकनी मिलती है, तो बढ़िया धूप आती है इस फ्लैट पे। आपको आइए गो थ्रू करते हैं। बहुत अच्छे डिमांड पे आया हुआ है, बहुत अच्छा रेट आया हुआ है इस पर्टिकुलर फ्लैट का, बहुत अच्छी सोसाइटी है। आइए गो थ्रू करते हैं। तो ये हो जाता है इसका लॉबी स्पेस। ये देख सकते हैं लिफ्ट यहाँ पे मिलती है, एक लिफ्ट वहाँ मिलती है। अगर ये मेंटेनेंस पे है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेयरकेस मिलता है, यहाँ कुछ पार्क का भी दिखता है आपको सोसाइटी का इस तरीके से। और आप जिस फ्लैट को हम गो थ्रू करना है वो ये वाला फ्लैट है। इसमें इसके आसपास को गेट नहीं है, जैसे वो गेट देखेंगे आप आसपास है, तो ये थोड़ा सा आपको एक प्राइवेसी ऑप्शन के लिए अच्छी एक चीज़ मिलने वाली है। तो जैसे आप एंटर करेंगे, दिस इज योर लिविंग प्लस स्पेस। आपका लिविंग रनिंग स्पेस मिलता है आपको, कुछ नीचे आपको वर्टिफाइल टाइलिंग का काम मिलता है, ऊपर आपको फॉल सीलिंग का काम मिलता है, बहुत बढ़िया स्टैंडलर का काम किया गया है, बहुत अच्छे कंफर्ट फैन मिल जाते हैं इसमें आपको। अगर मैं बात करता हूँ इसके लेआउट की, अगर इसके फ्लोर प्लान की बात करता हूँ, दैट्स योर लिविंग डाइनिंग स्पेस किचन स्पेस। 3 बेडरूम उस तरफ आ जाते हैं, 2 वॉशरूम अटैच उसमें और कॉमन रहने वाले हैं। अब आते हैं इसके एक बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ पर, वो है इसकी ये वाली बालकनी। अगर मैं बात करता हूँ इस बालकनी स्पेस की, तो बहुत अच्छी धूप आ रही है, देख सकते हैं अभी ऑलमोस्ट इसमें जो धूप का टाइमिंग है वो अराउंड 11 बजे से लेके 3 बजे तक के आसपास में इसमें धूप आती है। ईस्ट टू वेस्ट के बीच में बालकनी है, तो अच्छी खासी धूप इसमें आपको मिलने वाली है, बढ़िया धूप आ रही है। और इस तरीके का कुछ आपको काम मिल जाता है, पूरा वुडन फ्लोरिंग का काम इसमें मिलने वाला है। इधर आपको कुछ इस तरीके से काम मिल जाता है, और साथ साथ यहाँ पे आएंगे, दैट्स योर डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर आपको डाइनिंग स्पेस मिलता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपको फ्रिज स्पेस मिलता है, यू कैन मेक इट फ्रिज स्पेस बना सकते हैं इसको आपको, लेकिन यहाँ पर भी किचन में भी बहुत बड़ा स्पेस है। आइए गो थ्रू करते हैं किचन स्पेस। तो ये हो जाता है इसका किचन स्पेस, देख सकते हैं कितना बड़ा किचन स्पेस है, कितना ह्यूज साइज है किचन स्पेस का। इसमें यहाँ पर आपको मिल जाती है बहुत खूबसूरत सी पेंट्री स्पेस, ये आपका पेंट्री स्पेस मिलने वाला है, बहुत खूबसूरत काम किया गया है। ओवरहेड देखेंगे आप, काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है। नीचे देखेंगे काफ़ी बढ़िया काम कर रखा है, लाइटिंग का काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। प्रॉपरली मॉडुलर किचन होने वाला है, सॉफ्ट क्लोज मिल जाता है, दैट्स योर चिमनी हेयर होप सेक्शन ही हो जाता है आपका, सिंक स्पेस या आपका वेंटिलेशन मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। किचन का साइज बहुत बड़ा साइज है आपका, इजीली आप फ्रिज जो है आप अपना किचन में ही रख सकते हैं, क्योंकि साइज बहुत बड़ा मिल जाता है आपको। दैट्स योर डाइनिंग स्पेस। यहाँ पर भी फॉल सीलिंग आपका काम है, ऊपर फैन लगाया हुआ है, इधर भी आपको एक वेंटिलेशन ऑप्शन मिल सकता है, आप चाहें तो किसी भी तरीके से स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ, दैट्स योर फर्स्ट बेडरूम एरिया, यू कैन मेक इट योर मास्टर बेडरूम। इसको आप इस तरीके से आपको साइज मिलता है, अटैच वॉशरूम अटैच बालकनी वाला साइज मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ बेडरूम साइज की, ऑलमोस्ट 12x12 के आसपास का बेडरूम साइज होगा। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिल जाता है, और आप इस स्पेस को आप अपना ऑफिस बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं। दैट्स योर अटैच वॉशरूम एरिया, इस तरीके का कुछ काम है। कलर कंट्रास्ट देखेंगे, वाइट एंड ब्लैक कलर का कलर कंट्रास्ट है। WBC का काम मिल जाता है आपको, सारा का सारा फिटिंग जगवा मिल जाता है आपको, स्मार्ट मिरर मिल जाता है, तो इस तरीके से मिल जाता है आपको वॉशरूम का फिटिंग। दैट्स योर ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग का काम है, यहाँ पर आपको कबर्ड स्पेस मिलता है कुछ इस तरीके से। डेप्थ अच्छी है, सेपरेशन अच्छा किया गया है, बहुत अच्छा सनमाइका का काम किया गया है। और यहाँ पर मिलती है आपको सेम बालकनी लिविंग स्पेस के साथ, वो वाली सेम बालकनी आपको यहाँ पर मिल जाती है, सेम बालकनी आपको मिलती है यहाँ पर भी। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम अटैच वॉशरूम अटैच बालकनी के साथ। नाउ वी कम टू द कॉमन वॉशरूम एरिया, या आपका कॉमन वॉशरूम एरिया आ जाता है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं प्रॉपरली ब्लैक कलर कंट्रास्ट में काम किया गया है टाइलिंग का। नीचे वर्टिफाइल टाइल्स लगा रखी है आपको नॉन स्लिपरी, एंड ये वेंटिलेशन हो जाता है आपका, स्टेप्स मिल जाते हैं, जगो फिटिंग स्टोरेज ऑल दो थिंग्स आपको सब कुछ इसमें मिलने वाला है। अब आते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ, दैट्स योर सेकेंड बेडरूम एरिया। ऑलमोस्ट 12x12 के आसपास का रूम साइज है, वेंटिलेशन मिल जाता है, वार्डरोब स्पेस का अलग स्पेस है, नॉट इन योर बेडरूम साइज। ऊपर आपको फॉल सीलिंग मिल जाता है, नीचे वर्टिफाइल टाइल्स, और यहाँ पर मिलती है एक और बालकनी
जिसमें आती है आपकी धूप ऑलमोस्ट 1 बजे के बाद, 1 बजे के बाद आपको इसमें धूप आएगी और 3 बजे तक की आपको इसमें धूप मिल जाती है। तो ये हो जाता है आपका सेकेंड बेडरूम एरिया। अब आते हैं अपने थर्ड बेडरूम एरिया की तरफ। ये हो जाता है आपका लास्ट बेडरूम दोस्तों, ये आपका लास्ट बेडरूम है। इस फ्लैट का सबसे छोटा बेडरूम हो जाता है ये वाला। इसमें आपको ये जो बालकनी थी वो कवर कर ली गई है और ये सुबह ईस्ट इस तरफ है, तो आपको इस वाले रूम में मॉर्निंग का धूप मिलता है। तो ऑलमोस्ट सुबह से लेकर शाम तक के पूरे दिन का इसमें धूप मिलने वाला है फ्लैट में। अगर मैं सोसाइटी का आपको गो थ्रू दूँ इस तरीके का कुछ सोसाइटी का, ये सोसाइटी देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके की सोसाइटी है आपकी, और ये इसमें बीच में पार्क दिया हुआ है देख सकते हैं, और बीच में ट्रैक बनाया हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों ये मिलता है, ईस्ट फेसिंग है यहाँ पे, ये देख सकते हैं सुबह का धूप मिलता है इसमें आपको। यहाँ मिलता है लास्ट बेडरूम का फ्लैट कुछ इस तरीके से। ये हो जाता है आपका फ्लैट गो थ्रू। इसका जो डिमांड है वो 1,95,00,000 रुपीज़ का है, जो कि नेगोशिएबल है। 1,95,00,000 रुपये डिमांड है जो कि नेगोशिएबल है। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ साथ में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन द्वारका तो हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।